कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हाँ दोस्तों, ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी उन हजारों लाखों क्रांतिकारियों के बलिदानों का नतीजा है, बेहतरीन तोहफा है हमारे लिए। दोस्तों, अगर मैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीन नाम लूं तो तुरंत आप बोल उठोगे जय हिंद। हाँ, लेकिन अगर मैं बिनोद, बादल, दिनेश ये तीन नाम लूं तो आप सोच में पड़ जाओगे। हाँ दोस्तों, इन शूरवीरों का नाम कहीं कोई किताबों में, कोई पन्नों पे, कोई जगह पर जिक्र किया नहीं गया है। आज हम बात करेंगे ऐसे शूरवीरों का जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के नाम कुर्बान कर दी। चलो दोस्तों, और मैं दोस्तों एक दावा करता हूँ, इनकी कहानी, इनकी बलिदानों की कहानी सुनकर आप नाश करोगे इन शूरवीरों पर, आप फक्र करोगे अपने भारतीय होने पर। आप जहाँ भी खड़े होंगे वहाँ जोर से बोल उठोगे जय हिंद। हाँ दोस्तों, और कमेंट्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। ओके, लेट्स गो टू द स्टोरी। 1928 नेताजी सुभाष चंद्र जब कोलकाता गए, कोलकाता में उन्होंने बंगाल वॉलंटियर्स नामक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला थ्री टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स, बिनोय, बादल, दिनेश। हाँ, बिनोय, बादल, दिनेश कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और बिनोय एक मेडिकल स्टूडेंट था। इनका मेन उद्देश्य भारत की आज़ादी थी और वे मानते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। उनका दूसरा उद्देश्य था, जो भी अफसर, अंग्रेज अफसर भारतीय पर अत्याचार करेगा उसे इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं, और उसे उड़ा देते थे। बिनोय ने वैसा ही कुछ किया था। उसने अपने मेडिकल कॉलेज के कैंपस में एक बड़े अंग्रेज अफसर को पॉइंट ब्लैंक से उड़ा दिया। हाँ दोस्तों, ये तीनों का सबसे बड़ा पराक्रम था कर्नल एन एल सिम्पसन। ये जो कर्नल था सिम्पसन, वो कोलकाता के सेंट्रल जेल का जेलर था। ये वहाँ के कैदियों पर बहुत अत्याचार करता था और उसका शनि तब शुरू हुआ जब उसने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अपना करतूत दिखाया। तब इन क्रांतिकारियों ने तय किया कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर ये बंगाल टाइगर्स चाहते तो सिम्पसन को कहीं भी उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ठान ली कि इसे उसके घर में घुस के मारेंगे। हाँ, इसलिए कि जो बाकी अंग्रेज अफसर हैं उनमें एक डर पैदा हो, उनमें एक खौफ पैदा हो, और अगली बार जब कोई अफसर किसी भारतीय पे हाथ उठाएगा उसके पहले वो 10 बार सोचेगा कि कहीं कोई बंगाल टाइगर फिर से ना आ जाए। कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग जो अंग्रेजों का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, यहाँ पे सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स का ऑफिस या कैबिन हुआ करता था, और सिम्पसन का भी ऑफिस इसी बिल्डिंग में था। सिम्पसन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत उसके ऑफिस में होगी। ये तीनों टाइगर्स यूरोपियन का ड्रेस पहनकर घुस गए उस बिल्डिंग में और उसके ऑफिस के अंदर जाके पॉइंट ब्लैंक से उसे शूट कर दिया। इस कदर शूट किया कि 3 गोलियां उसके सर के अंदर से मिली। गोलियों की आवाज सुनकर उस बिल्डिंग के बाजू में स्थित ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स अलर्ट हो गई और उन्होंने इस बिल्डिंग को घेर लिया। अब लड़ाई हुई ये तीन शूरवीरों और अंग्रेजों के बीच। मरेंगे या तो मारेंगे, लेकिन किसी अंग्रेज के हाथ में आएंगे, ये सोच के रखा था ये तीन शूरवीरों ने। हाँ दोस्तों, उन्होंने डट कर लड़ाई की और उन्होंने कई अफसरों को घायल कर दिया, लेकिन जैसे उनकी गोलियां ख़त्म हुई, बादल ने एक साइनाइड की गोली अपने मुंह में रख ली और वो वहीं अपने जान न्योछावर कर बैठे। बिनोय और दिनेश ने खुद को गोली मार ली, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो इन शूरवीरों को मार सके। दोनों बच गए, दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन 5 दिनों के बाद 13 दिसंबर 1930 बिनोय इस दुनिया से चल बसे।
दिनेश बच गया। अंग्रेजों ने उस पर मुकदमा चलाया और उसे फांसी की सजा सुनाई। ठहरो ठहरो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिस जज ने दिनेश को मौत की सजा दी, उस जज को दूसरा बंगाल टाइगर कन्हैया लाल ने मौत के घाट उतार दिया। हाँ दोस्तों, ये थी बंगाल टाइगर्स की कहानी। कैसा लगा आपको? नाज हो रहा है इन शूरवीरों पर, फक्र हो रहा है अपने भारतीयों होने पर? तो जोर से बोल उठिए, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो को इस कदर शेयर कीजिए कि भारत का बच्चा बच्चा जाने पहचाने इन बंगाल टाइगर्स को, बिनोय बादल दिनेश को। और कमेंट्स में एक जय हिंद मांगता है। जय हिंद।